चंदनकियारी प्रखंड के महलपुरमी एवं पश्चिमी पंचायत में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित की गई, जहां कार्यक्रम का शुभारंभ प्रखंड प्रमुख निवारण सिंह चौधरी, वीडियो वर्मा, सीओ रवि कुमार आनंद, मुखिया सीतल सिंह, मुखिया निमाई रजवार, पंचायत समिति सदस्य नीतीश शेखर ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुभारंभ की। शिविर में ग्रामीणों की भीड़ लगी रही, जहां राशन कार्ड, अबुआ आवास, पेंशन योजनाओं एवं मनरेगा योजनाओं के लिए आवेदन जमा किए गए। वहीं आजीविका महिलाओं मंडल के सदस्यों को 1.5 लाख रुपए के चेक एवं गरीबों के बीच कंबल का वितरण किया गया। इस दौरान प्रखंड प्रमुख ने कहा कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के सीधे लाभ जनता को मिल रही है। दोनों पंचायत के मुखिया ने कहा कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में पंचायत के आम लोगों के समस्याओं का समाधान हो रहा है। राज्य सरकार के बहुत ही सराहनीय कार्य हैं, इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद दिया। इस अवसर पर मुखिया संघ के अध्यक्ष अजय रजवार, संतोष रवानी, जीप सदस्य अंबिका देवी, कांग्रेस प्रखंड कमेटी के अध्यक्ष जलेश्वर दास, अशोक दशौंदी, प्रखंड प्रधान सहायक प्रभाकर चौधरी, विधान बनर्जी, बनमाली दास आदि उपस्थित थे। यहाँ लगभग सभी तरह योजना, जैसे कि आपका जमीन संबंधी, आवास संबंधी, और उसके बाद आबुआ आवास में तो बहुत ज़्यादा फॉर्मेट डाला गया है, लेकिन प्लान प्लस में जो चढ़ा था आज तक उसमें कार्यवाही नहीं हुआ है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूँ और सरकार से आशा करता हूँ कि इस बार कार्यक्रम सफल होगा। क्या लग रहा है जो योजना सब हो रहा है सभी सरकार द्वारा सक्सेसफुल किया जा रहा है, जो लोग आशा के साथ आए हैं? आशा के साथ जो भी मेरे ग्रामीण पंचायतवासी आए हैं उनका हार्दिक अभिनंदन तो करते हैं तहे दिल से। आपकी तरफ से तो हो रहा है, मैं आशा करता हूँ कि सरकार भी इसमें काम करेगी। सरकार इसमें काम कर रही है, सरकार इसमें अगले बार जो हुआ था उसमें 2-4 योजना ऐसा हुआ है मेरे पंचायत में जो होने लायक नहीं था, फिर भी सरकार ने किया है। अच्छा। और मैं आशा करता हूँ कि सरकार करे, जनता को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। हाँ, लाभ तो मिल रहा है। बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम इस मीडिया के माध्यम से आपका चंदन कैरी ब्लॉक के सारे टीम आए हैं और वीडियो साहब, सीओ साहब, हमारे प्रमुख साहब, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। उनका हमारे पंचायत में पहले सबका स्वागत। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम जोर शोर से झारखंड प्रदेश में चल रहा है। पहले भी 2 साल ये कार्यक्रम हो चुका है और उसमें आंशिक तौर पर लाभ लोगों को मिला है। पेंशन का काम हुआ है, उसमें वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, उसमें हम संतुष्ट हैं पेंशन के लिए। और इस बार का सबसे बड़ा मुद्दा है कि आवास, अबुआ आवास के ऊपर सबकी निगाहें हैं और हमारे जो प्रदेश के मुखिया है माननीय हेमंत सोरेन जी, उन्होंने संकल्प लिया है कि हम आवास पूरा करेंगे। लोगों का आस है उनके ऊपर और हम लोग चाहेंगे कि वो जो बोले हैं, कमिटमेंट किए हैं, वो पूरा करें। और जब तक वो धरातल पे दिखाई नहीं देगा तब तक लोग संतुष्ट भी नहीं होंगे। मेरा नाम नीतीश शेखर, मैं महालपुरमी का पंचायत समिति सदस्य हूँ। आज जो सरकार इतना बड़ा प्रोग्राम रखी है, आपकी सरकार, आपकी योजना आपके द्वार कार्यक्रम में, जिसमें मुख्य रूप से सरकार ने अबुआ आवास, पेंशन और बिरसा कूप सिंचाई और बहुत सारे जैसे किसान क्रेडिट कार्ड, ये सब लाभान्वित करने के लिए लोगों को ये सब आयोजन की है। और इस माध्यम से लोगों को बहुत तक हद तक फायदा भी पहुंचेगा। हम चाहते हैं कि अभी भी गांव के और भी पंचायत जो भी हैं, हमारा पंचायत तो ऑलरेडी आज कंप्लीट हो गया, और भी जो भी पंचायत हैं उन सभी के वहां के जनप्रतिनिधि एवं जागरूक लोग जो गरीब दुखी को थोड़ा जागरूक करें
और अबुआ आवास पेंशन का जरूर लाभ दें। सही महीने में जनता को विकास हो रहे कि नहीं, जनता के योजना के लाभ मिल पा रहे नहीं सरकार की? बिल्कुल जनता से, बिल्कुल सरकार के माध्यम से जनता को बिल्कुल लाभ मिल रही है। पिछले बार भी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से बहुत से पेंशनधारियों को पेंशन मिला, 60 वर्ष से जिनको ऊपर है उनको पेंशन मिला और विधवा पेंशन मिला। और मान्यता हूँ कि सरकार का ये एक बहुत बड़ा कदम है, हर गांव में जिला प्रशासन, प्रखंड, अंचल सबको, सभी प्रशासन को यहाँ पर लाकर गांव में आपके घर के सामने खड़ा कर देना एक बहुत बड़ा बात होता है। आपका ऐसा कोई भी विभाग नहीं है जो यहाँ पर मौजूद नहीं है और इस माध्यम से सभी लोगों को बहुत सारे लाभ मिल रही है। हम सभी तो लगे हुए हैं गांव को पिछले 15 दिनों से जागरूक करने में, जो कि आज देख ही पा रहे हैं कि जागरूक करने के चलते सबको, सब अभी अपना अपना काम और अपना अपना लाभ लेने के लिए पहुँचे हैं, लाभुक बन रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और हेमंत जी को नमस्कार करता हूँ कि आपने अबुआ आवास लेके आए, गरीबों को घर मिलेगा और आपको आशीर्वाद मिलेगा। धन्यवाद।